हरे कृष्णा, मेरा नाम है ऐश्वर्या। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बेसिक्स बाय एजे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज मैं तुलसी महारानी के बारे में आपको कुछ बताने वाली हूँ। हमारे देश में लगभग हर हिंदू घर के आंगन में तुलसी का पौधा पाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी का पौधा आखिर क्यों सींचा जाता है। आपने मेरे बहुत सारे कुकिंग वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं खाना बना लेने के बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती हूँ। इसके अलावा मैंने अपने गले में कंठी माला धारण की हुई है। इस कंठी माला को पहनने के क्या नियम हैं और किस प्रकार से भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, तुलसी का पत्र किस प्रकार तोड़ा जाता है, इन सब का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको तुलसी जी के महिमा के बारे में बताऊंगी। उसके बाद मैं ऐसे 10 क्वेश्चन का आंसर मैंने इस वीडियो के अंत में दिया है जो जनरली हर किसी के मन में होते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आई होप इसमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जानने योग्य बात यह है कि अब जो भी मैं आपको तुलसी जी के बारे में बताने जा रही हूँ वो सब पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण से निकाली गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री वृंदा देवी वृंदावनी पाप नाशिनी कृष्ण प्रेयसी कृष्ण जीवनी वैष्णवी विश्व पूजिता भक्ति देवी गौरी आदि नामों से विख्यात यह पौधा सभी तरह से शुभ है। पूजा करने, स्तुति करने, नमस्कार करने, महिमा श्रवण करने या दर्शन करने मात्र से सदा मंगल होता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो कोई भी उपयुक्त विधियों से इसके संपर्क में आता है वह श्री श्री राधा कृष्ण का प्रेम तथा निज धाम वृंदावन वास प्राप्त करता है और वैकुंठ लोक में शाश्वत निवास करता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसका मतलब है मनोवांछित फल देने वाले करुणा के सागर तथा पतितों का उद्धार करने वाले वैष्णव जन को बारंबार प्रणाम। श्री भगवान तुलसी की सेवा में संलग्न जन ही वैष्णव कहलाते हैं, इसीलिए तुलसी जी भी वैष्णवी हैं। तुलसी को सब कभी भी सामान्य पौधा नहीं समझना चाहिए। छोटे पौधे के रूप में हमारे समक्ष सबसे बड़ी वैष्णवी शक्ति हैं। वे इस जगत में पौधे के रूप में भगवान की सेवा करने तथा मानव समाज का उत्थान करने के लिए प्रकट होती हैं। जिस घर के आंगन में तुलसी विराजमान है वहाँ कभी भी अनर्थ नहीं हो सकता और भगवान कृष्ण सुखपूर्वक निवास करते हैं और वह समस्त पवित्र स्थानों से अधिक शुद्ध होता है। जिस घर में तुलसी के पौधे की जड़ के पास की मिट्टी रहती है वहाँ सारे देवता निवास करते हैं। कलयुग में जो व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है तथा उसका स्मरण करता है या तुलसी के समक्ष कीर्तन करता है और 3 बार तुलसी की परिक्रमा करता है उसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ है। तुलसी ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह परम मंगलमयी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शुद्ध श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णव नाम धारण करने वाली है। संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्तों और पुष्प सभी धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान हरि को लक्ष्मी और शिव प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी परम प्रिय हैं। तुलसी के दल बिना अन्य फूलों पुष्पों तथा चंदन आदि के लेपों से श्री भगवान हरि को उतना संतोष नहीं होता जितना तुलसी पत्र द्वारा होता है। तुलसी पत्र द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप तुलसी के समक्ष बैठकर करना चाहिए तथा 4 नियमों का पालन करना चाहिए। 4 नियम क्या हैं मैं आपको ये बता दूं। जुआ, नशा, तामसिक पदार्थों का सेवन तथा अनैतिक संबंध। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्तों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है। अब मैं आपको तुलस्य उपनिषद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ।
देखने से पाप नाशक, छूने से पवित्र करने वाली, प्रणाम से रोग नाशक, सेवन से मृत्यु दूर करने वाली, विष्णु पूजन करने से विपत्ति नाशिका, खाने से प्राणों में शक्ति देने वाली, परिक्रमा से दरिद्रता का नाश करने वाली, मिट्टी लगाने से महापाप का भंजन करने वाली, सूंघने से अंदर के मैल को नाश करने वाली तुलसी को जो इस रूप में श्रद्धा पूर्वक देखता है, समझता है, वह सच्चा कृष्ण भक्त है। तुलसी दल व्यर्थ न तोड़ें, अगर कहीं तुलसी मिले तो परिक्रमा अवश्य करें तथा रात्रि में तुलसी का स्पर्श न करें। तुम्हारी ही छाया में श्री लक्ष्मी निवास करती हैं तथा तुम्हारे मूल में जड़ में ही भगवान विष्णु का निवास स्थान है। सारे देवता, सिद्ध एवं नाग जिसके मूल में चारों तरफ से रहते हैं तथा सारे तीर्थ भी जिसके मूल में निवास करते हैं एवं जिसके मध्य में ब्रह्मा आदि देवता रहते हैं, जिसके अग्रभाग में वेद शास्त्र रहते हैं, मैं उस तुलसी को प्रणाम करती। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान या आंगन में तुलसी का रोपण कर उनकी आरती पूजा करनी चाहिए। भगवान कोई भी भोग तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी दल युक्त प्रसाद ग्रहण करने से मन में पवित्रता और भक्ति की भावनाएं प्रगाढ़ होती हैं। तुम देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की सदा ही अत्यंत प्रिया हो। जो भी ब्राह्मण बिना तुलसी के प्रयोग किए श्राद्ध करते हैं वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है तथा पितरों को प्राप्त नहीं होता। यदि कोई तुलसी को छोड़कर पूजन करता है तो वह पूजा आसुरी कही जाती है तथा वह पूजा विष्णु को प्रसन्न करने वाली नहीं होती। यज्ञ, दान, जप, तीर्थ, श्राद्ध, देवताओं का पूजन, तर्पण तथा मार्जन तथा अन्य भी इसी प्रकार के धार्मिक कृत्य तुलसी के बिना नहीं करने चाहिए। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। तुलसी को ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के सेवन से अनजाने में हुई ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने भी तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्त्रोत का पाठ करता है भगवान विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं वे सब तुलसी स्त्रोत के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्त्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्त्रोत लिखा हुआ विद्यमान रहता है उसका कभी अशुभ नहीं होता तथा सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता, उसके लिए सदा सुकाल रहता है, वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्त्रोत का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है, उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्त्रोत का पाठ करता है उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। तो ये रहे तुलसी महारानी जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो मैंने आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण से बताए। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की जिनको लेकर लोग अक्सर दुविधा में रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी जी की पूजा क्यों करें, ये तो एक पौधा है। तो इसका जवाब ये है कि तुलसी कोई सामान्य पौधा नहीं है, इसे सामान्य पौधा समझना भी एक पाप है। तो अगर आप भगवान की सेवा करने चाहते हैं, स्पेशली विष्णु तत्व की, जैसे कि श्री राम, नरसिम्हा देव, भगवान श्री कृष्ण, अगर उनको भोग लगाना चाहते हैं तो बिना तुलसी पत्र के वो भोग नहीं ग्रहण करेंगे। पद्म पुराण उत्तराखंड में लिखा है, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी प्रभु एक न मानी। तो दूसरा सवाल लोग जो अक्सर पूछते हैं कि क्या हम तुलसी पत्र को गणेश जी, शिव जी, दुर्गा माता, क्या किसी को अर्पण कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नो, इट्स सिंपल नो। तुलसी जी को सिर्फ और सिर्फ
भगवान श्री कृष्ण या फिर विष्णु तत्व को ही अर्पण कर सकते हैं, जैसे भगवान श्री राम, श्री विष्णु, श्री कृष्ण, नरसिम्हा अवतार, यहाँ तक कि इन्हें राधा रानी तक को भी अर्पण नहीं करते हैं। तो इन्हें ध्यान रखिए, अगर आप किसी और देवी देवता को अर्पण करते हैं तो बहुत पाप लगता है। तीसरा प्रश्न, अक्सर लोग वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे तुलसी की माला मार्केट में इस तरह से मिलती है और लोग फैसिनेट होकर फैशन में उसको पहन लेते हैं, और या फिर कुछ लोग हमें देखकर भी पूछते हैं कि आपने गले में क्या पहना हुआ है, क्या हम भी पहन सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि हाँ, तुलसी जी आप भगवान को अर्पण करके पहन सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि तुलसी जी को धारण करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले ये आता है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, दूसरा आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, किसी तरह का गैम्बलिंग या इंटॉक्सिकेशन या फिर इलिसिट सेक्स नहीं करना है। पद्म पुराण में लिखा है, जो मनुष्य तुलसी के पत्र और पुष्प आदि से युक्त माला धारण करता है उसको भी विष्णु रूप ही समझना चाहिए। तुलसी काष्ठ से बनी हुई मालाओं से अलंकृत होकर मनुष्य भगवान की पूजा करता है तो कोटि गुना फल देने वाला होता है। तुलसी जी को कंठ में धारण करने के असंख्य लाभ हैं, लेकिन ये लाभ उठाने से पहले हमें थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ेगा। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं, एग खाते हैं, तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। चौथा प्रश्न, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि रविवार के दिन यानी कि संडे के दिन हमें अपने तुलसी के गमले में जल अर्पण नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब है नो, इनफैक्ट वी शुड एवरी डे ट्राई टू सर्व तुलसी महारानी एज फार एज पॉसिबल। तो हमें संडे हो या मंडे, हमें एवरी डे जल दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। बस हमें द्वादशी के दिन का ख्याल रखना चाहिए, द्वादशी यानी कि एकादशी का अगले दिन, जिस दिन हम अपने व्रत का पारण करते हैं, उस दिन हमें तुलसी महारानी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जो लोग भोग अर्पण करते हैं हर रोज़ भगवान को, उन्हें एकादशी वाले दिन ही अच्छी खासी तुलसी के पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए, जिससे वो अगले दिन द्वादशी वाले दिन उन्हें ना तो तुलसी जी की आरती है, आप मॉर्निंग में पूजा करने के बाद अपनी तुलसी जी को जल दीजिए, उनको फूल अर्पण कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनकी आरती करिए, उनका श्रृंगार करिए और धूप बत्ती दिखाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं हर किसी को जिनके यहाँ तुलसी है मैं बताना चाहूँगी कि तुलसी में मंजरियाँ उगती हैं, यानी कि उनके जो फूल होते हैं, आप प्लीज़ उन्हें टाइम टू टाइम तोड़ते रहिए, और तोड़कर इन्हें भगवान श्री राम, कृष्ण या फिर विष्णु जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए और मन ही मन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहिए। इसके असंख्य लाभ हैं, असंख्य पुण्य हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको भगवान का कितना आशीर्वाद प्राप्त होगा ऐसा करके। ये जो मंजरियाँ हैं तुलसी की, ये तुलसी जी के नाखून होते हैं और ये इनको बहुत कष्ट देते हैं, तो अगर आप इन मंजरियों को तोड़ देते हैं तो इससे आपको पुण्य ही मिलेगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब वो मंजरी अच्छी खासी बड़ी हो जाए तो आप उसे तोड़कर भगवान के चरणों में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए अर्पण कर दें और अगले दिन किसी और गमले में डाल दें, और वहाँ पे हो सकता है नया तुलसी का पौधा लग जाए, लेकिन आप प्लीज़ अपने तुलसी के पौधे से मंजरियाँ हटाते रहिए, इट्स नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ तुलसी प्लांट। छठा क्वेश्चन, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम घर में राम तुलसी लगाएं कि श्याम तुलसी लगाएं, कौन सी शुभ होती है, कौन सी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो इसका जवाब है दोनों ही भगवान को बहुत प्रिय हैं। राम तुलसी थोड़ी हल्के हरे रंग की होती है और श्याम तुलसी थोड़े डार्क ग्रीन कलर की होती है, तो दोनों ही भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। आप दोनों में से कोई भी भोग लगाने के लिए भगवान को अर्पण करिए, या तुलसी का दल अर्पण करिए, या उसकी मंजरियाँ अर्पण करिए, भगवान प्रसन्न ही होंगे, इसमें कोई भी भेद नहीं है। जैसे भगवान श्री बलराम गोरे थे और भगवान श्री कृष्ण सांवले थे, उसी प्रकार से रामा और श्यामा में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ रंग का अंतर है। तो आप अपनी पूरे भाव से भगवान को दोनों में से कोई भी तुलसी अर्पण कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, बहुत सारे लोग स्पेशली भक्त ये कहते हैं कि जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग या फिर डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि आप तुलसी के पत्र खाइए, उसको उससे आपको हेल्थ बेनिफिट होंगे, जैसे कि सर्दी जुखाम बुखार में। तो इसका जवाब है नो, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप तुलसी महारानी की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तुलसी महारानी
कोई प्लांट नहीं, कोई साधारण प्लांट नहीं, बल्कि वो देवी हैं, वृंदा देवी। वृंदावन में आज भी बहुत सालों पुराना उनका एक मंदिर है जहाँ पे उनकी बहुत ही विधि पूर्वक पूजा होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वृंदा देवी कितनी मर्सीफुल हैं कि वो हमारे घरों में, हमारे आंगनों में इसलिए प्रकट हुई हैं कि हम भगवान की भक्ति कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनको भोग लगा सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो हमें उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि हम अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए उनको तोड़कर यूज़ करना शुरू कर दें। इनफैक्ट भगवान को भोग लगाने के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम उनके पीले पत्तों को या जो मुरझाए हुए पत्ते हैं उनका यूज़ करें, उनको भगवान को भोग लगाएं। अगर वो नहीं है उसके बाद ही हम हरे पत्तों को छुएं। हेल्थ बेनिफिट्स के लिए या फिर सर्दी जुखाम बुखार के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, घरेलू नुस्खे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तुलसी महारानी का प्रयोग हमें सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए। अपने पर्सनल यूज़ के लिए एज़ फार एज़ पॉसिबल वी शुड नॉट डू दैट। आठवां क्वेश्चन, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आपके घर में तुलसी जी इतने अच्छे से कैसे फल फूल रही हैं, हमारे घर में तो नहीं हो रही, क्या हम पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, क्या हम कोई फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, हमारे पत्तों में कीड़े लग गए हैं। तो उसका जवाब मैं इस तरह से देती हूँ कि तुलसी देवी जो हैं, जिस घर में भगवान श्री विष्णु की या भगवान श्री कृष्ण की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना हो रही है, भक्ति हो रही है, वहाँ पे तुलसी जी अपने आप ही बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। दूसरा, अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है, लाइक तुलसी आपकी ग्रो कर रही है अच्छे से लेकिन फिर भी उसमें कीड़े लग जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप पेस्टिसाइड का यूज़ मत करिए, फर्टिलाइज़र का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत आसानी से नीम का तेल मिल जाता है, नीम ऑयल, और गौमूत्र अर्क मिल जाता है। ये दोनों आप एक एक टेबल स्पून एक लीटर पानी में मिक्स करिए और उसे तुलसी के प्लांट पे स्प्रे करिए। ऐसा आप 8 से 10 दिन रेगुलर करिए, उसके बाद आप देखिए आपके तुलसी के पत्तों में से कीड़े हट जाएंगे और वो अच्छे से ग्रो करेंगी। लेकिन पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वेरी हार्श फॉर द प्लांट्स। नौवा क्वेश्चन, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम तुलसी पत्र को जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, जो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसमें तुलसी का पत्र हमारे मुंह में आ जाता है, तो हमें उसे कैसे ग्रहण करना चाहिए, क्या हम उसे चबा सकते हैं या कैसे उसे ग्रहण करना है? तो उसका जवाब ये है कि तुलसी के पत्तों को हमें चबाना नहीं चाहिए अपने दाँतों से। तुलसी देवी हैं और उनको हर्ट होता है, पानी में उबालना उनका मेडिसिन, उनको कूंचना, इट्स नॉट रिकमेंडेबल बिकॉज शी इज़ देवी एंड उनको दर्द होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको निगल सकें खाने के साथ, थोड़ा सीधे सीधे आप निगलेंगे तो इट विल बी वेरी हर्टिंग, तो डायरेक्टली नहीं, खाने के साथ ही आप उसे मिक्स करके इस तरह से खाएं कि वो आपके गले में फंसे भी ना और आपको चबाना भी ना पड़े। दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका ये भी है कि तुलसी के पत्तियों में मरकरी होती है, अगर हम तुलसी के पत्तों को चबाएंगे तो हमें पायरिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। पायरिया से आप जानते हैं इट्स वेरी बैड, लोगों के मुंह से बहुत स्मेल आती है, तो आप खुद भी नहीं चाहेंगे कि आपको इस तरह की बीमारी हो। तो बेहतर होगा कि जितना कम हो सके आप तुलसी के पत्तों को चबाएं और निगलने की कोशिश करें बिना अपने को हर्ट किए हुए। दसवां प्रश्न जो बहुत ही कॉमन है, लोग पूछते हैं कि तुलसी के पत्र को कैसे तोड़ना चाहिए, क्या दिन में कभी भी तोड़ सकते हैं, क्या बिना नहाए तोड़ सकते हैं, या क्या कोई प्रोसीजर है उसका? तो इसका जवाब ये है कि तुलसी के पौधे को बिना नहाए नहीं छूना चाहिए, और सुबह सूर्योदय के बाद 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से पहले हमें जितने भी तुलसी पत्र की ज़रूरत हो दिन में, हमें उतने ही तोड़ के रख लेने चाहिए। और जैसा कि इस्कॉन के सभी भक्तगण अपने घर में डेली भगवान को भोग लगाते हैं, सिर्फ एक टाइम नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग माखन मिश्री का भोग लगाते हैं सुबह जैसा कि जनरल लोग करते हैं, सुबह एक टाइम भगवान को भोग लगा दिया और बस मंदिर के कपाट बंद, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग घर में जो भी खाना बनाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, यहाँ तक कि नाश्ता स्नैक्स, हम जो कुछ भी बनाते हैं, जूस फ्रूट, हम सब भगवान को भोग लगाते हैं। तो हमें बहुत सारी तुलसी के पत्तों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितने
जितने आइटम्स होते हैं उतनी तुलसी के पत्ते हमें उसमें डालने होते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सुबह नहाने के बाद भगवान की पूजा से पहले हम सबसे पहले जाकर जितने भी तुलसी पत्र हमें चाहिए होते हैं वो तोड़ लेते हैं और उसको हम फ्रिज में किसी बॉक्स में एक अपना टिश्यू पेपर बिछा दीजिए और उस पर आप तुलसी के पत्र धो के उसमें रख दीजिए, दूसरा टिश्यू पेपर उसके ऊपर रख दीजिए, तो आपके तुलसी के पत्ते फ्रेश रहेंगे। उसको फ्रिज में आप रख दीजिए। अब आप पूरे दिन जितने भी आइटम्स बनाएंगे, जितने भी आपको तुलसी पत्र चाहिए, आप फ्रिज में से निकाल कर उसको यूज़ कर सकते हैं। बार बार तुलसी के पौधे की तरफ मत जाइए तोड़ने के लिए, इट्स नॉट रिकमेंडेबल। तुलसी पत्र का चयन करने से पहले हमें उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें परमिशन ग्रांट करें कि हम उनकी तुलसी का प्रयोग भगवान को भोग लगाने में या उनको अर्पण करने में कर सकें और उनको हम हर्ट ना करें। इसलिए हमें मन ही मन हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। वैसे तो तुलसी चयन करते समय एक मंत्र है अलग से जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता है वो मंत्र तो आप हरे कृष्णा महामंत्र जो कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कहते हुए हम तुलसी का चयन कर सकते हैं। इससे हमें कोई पाप भी नहीं लगेगा और तुलसी महारानी हमें आशीर्वाद देंगी कि हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकें। तो ये रहे तुलसी महारानी से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। तो आई होप आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सर्व तुलसी महारानी एंड विल बी एबल टू प्लीज लॉर्ड श्री कृष्णा। प्लीज़ इसी तरह से आप आशीर्वाद देते रहिए कि मैं भी तुलसी महारानी की सेवा कर सकूं और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकूं, उनकी भक्ति में और अच्छे से प्रगति कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए जिससे वो भी भगवान की सेवा कर सकें, तुलसी जी की सेवा कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। Please keep watching and sharing my channel Basics by AJ. This is Aishwarya signing off. Hare Krishna.